मन वो चरम बिंदु है जो निर्देश दे शरीर को। मन अगर तुम्हारे शरीर पे हावी होगा तो तुम्हारा संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होगा, तुम्हारा निर्णय शक्ति बहुत मजबूत होगा। और जब तुम्हारा संकल्प और निर्णय मजबूत होगा, दुनिया का कोई भी लक्ष्य तुमसे अलग नहीं हो सकता है। तो तुम्हें अपने मन के शक्ति को मजबूत करना, मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करना। इंद्रिय का मतलब क्या हुआ? अपनी वासना के ऊपर। वासना का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा के ऊपर। वासना का मतलब क्या हुआ? इच्छा के ऊपर। कि हमारा इच्छा हमेशा बदलते रहता है, अभी ये खाएंगे, अभी वो खाएंगे, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ये कमी है, अभी वो कमी है। ये सब क्या है? वासना है। ये इच्छाएं ही वासना है। इसके ऊपर अगर नियंत्रण है तो आपका मन आपके शरीर के ऊपर हावी है। लेकिन होता उल्टा है, हमारा शरीर हमारे मन पे हावी होता है और इसलिए हमारा संकल्प शक्ति बहुत कमजोर होता है, हमारे निर्णय में कोई दम नहीं होता है। हम तय कुछ आज करते हैं, कल कुछ और हो जाते हैं, पर हम किसी भी लक्ष्य को जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, छोटा किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हो। तो चाहते हो किसी लक्ष्य को हासिल करना, तो मन की शक्ति को मजबूत बनाइए।